न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा इस बच्चे के लिए बोला गया था कि यह वेस्ट सिंड्रोम का केस है और ऐसा बच्चा कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर है ना, वो कह रहे थे कि आपको पता है इसका फ्यूचर क्या है। इसका फ्यूचर क्या है, इसकी कंडीशन ऐसी है, कैसे रहने वाला है। और अब अभी जो आपको दिख रहा है आपका नाड़ी योगा का ट्रीटमेंट, अभी तो आप डॉक्टर को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उस डॉक्टर के पास जाएंगे अभी, वैक्सीनेशन हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके पास ये जाना है कि नहीं जाना। अब जाएंगे, अब बताएंगे उनको। लेकिन डॉक्टर निशी भट्ट द्वारा ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद सिर्फ 6 महीने में ही इस बच्चे की ईईजी रिपोर्ट आ गई पूरी तरह नॉर्मल। सिर्फ 1 महीने में ही सीजर्स आना पूरी तरह बंद हो गए और बच्चा बिना किसी सपोर्ट के अच्छी तरह बैठने भी लगा, साथ ही अपनी गर्दन और कमर संभालने लगा, हाथों में ग्रिपिंग या पकड़ भी आ गई, जमीन पर पैर सीधे रखने लगा। आइए देखते हैं डॉक्टर निशी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इस बच्चे को 1 दिन में कितने फिट्स आते थे, इस बच्चे में कौन कौन सी समस्याएं थीं और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद सिर्फ 1 महीने में ही फिट्स, बैठने, गर्दन और कमर पर नियंत्रण और स्टैंडिंग के साथ इस बच्चे में आ गए और कौन कौन से सुधार। नमस्ते, मैं डॉक्टर निशी हूँ, नाड़ी योगा में आपका स्वागत है। और आज यहाँ हमारे साथ है आकर्ष। कितनी उम्र है इसकी? 9 महीने का है। ओके, 9 महीने। तो ये जो केस है वो है वेस्ट सिंड्रोम का। नाड़ी योगा शुरू करने से पहले 1 दिन में इसको कितने फिट्स आते थे? 20 से 25। नाड़ी योगा शुरू करने से पहले 1 दिन में इसको कितने फिट्स आते थे? 20 से 25। ओके, 20 से 25। आपने जिस तरह के इश्यूज बताए थे वो आमतौर पर सेरेब्रल पाल्सी के लक्षणों से संबंधित थे, जैसे अपनी गर्दन नहीं संभाल पाता था, आई रोलिंग जैसी समस्या थी, पीठ, हाथ, पैर और मांसपेशियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, राइट? कैसा है अभी? How do you feel कि नाड़ी योगा से कैसे चेंजेस दिख रहे हैं अभी आपको? फिट्स में कंट्रोल हुआ है। कि नाड़ी योगा से कैसे चेंजेस दिख रहे हैं अभी आपको? फिट्स में कंट्रोल हुआ है। हाँ, एंड इसको कॉन्स्टिपेशन भी अच्छा हो गया है, एंड का फोकस भी काफी अच्छा हुआ है, आई रोलिंग बहुत आई कांटेक्ट भी अच्छा हो गया है। हाँ, जैसे स्लो है बट अच्छा हो गया, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। और नेक होल्डिंग भी काफी हद तक। हाँ, और पहले एक साइड नेक रहता था ओनली। अच्छा जी, जिसका बैक पे दिख जाए ना, कि जैसे तो अभी वो बोथ साइड करता है। उसका देख रहा है, पहले जब आपने मुझे वीडियो भेजी थी उसमें वो बिल्कुल नहीं था, एंगेजमेंट तो बिल्कुल नहीं था, राइट? सो द ग्रोथ इज हैपनिंग रियली गुड, है ना? अंतर आपके सामने है। अन्य सुधारों के साथ सीजर्स को पूरी तरह खत्म हुए ही फर्स्ट थेरेपी विद इन द फर्स्ट मंथ वी सॉ दैट उसका जो मुझे आपने अपडेट दिया है कि उसके फर्स्ट मंथ में ही फिट्स कंट्रोल हो गए थे और उसका रोल ओवर स्माइल आना शुरू हो गया और आई कॉन्टेक्ट देना शुरू हो गया, है ना? साथ ही नाड़ी योगा सेंटर पर आने के बाद डॉक्टर निशी के ट्रीटमेंट देने के बाद बैठने भी लगा और बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गईं, फिजिकली और कॉग्निटिवली भी। अपनी गर्दन और कमर संभालने लगा, साथ ही हाथों में ग्रिपिंग या पकड़ भी आ गई, जमीन पर पैर सीधे रखने लगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत बढ़ गई, जैसे रिकॉग्निशन, मिररिंग, परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग। 6 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद इस बच्चे की लगभग सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। सीजर्स और डेवलपमेंट डिले, विकास में देरी जैसी समस्याओं से ये बच्चा पूरी तरह मुक्त हो चुका है। एमआरआई में वेस्ट सिंड्रोम नहीं है और ईईजी कंप्लीटली नॉर्मल हो गया है। साथ में बहुत सारी मेडिकेशंस, दवाइयां भी बंद हो गई हैं। एलियोपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान नाड़ी योगा ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ली गई ईईजी रिपोर्ट।
डॉक्टर निशी का ट्रीटमेंट शुरू करने के 6 महीनों बाद दी गई ईईजी रिपोर्ट। और ध्यान दें, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि ब्रेन एंड साइको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में डॉक्टर निशी की 15 साल की रिसर्च का परिणाम है। ये थेरेपीज वेल स्टडीड और हाईली रिसर्च सिस्टम से बच्चों पर अडेप्ट की गई हैं। डॉक्टर निशी भट्ट नाड़ी योगा की संस्थापक और साइको न्यूरोलॉजिकल एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। स्पेशल नीड किट्स के केसेस में एक्सपर्टीज है इनकी। ये किसी एक थेरेपी से नहीं बल्कि हर केस के अकॉर्डिंग उपचार के लिए अलग अलग थेरेपीज, जैसे कि अलेक्जेंडर टेक्निक्स, बोन टेक्निक, क्रैनियोसैक्रल थेरेपी, फेल्डेनक्रेस थेरेपी, रोल्फिंग थेरेपी जैसे कई अन्य थेरेपीज का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों में बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा परिणाम दिखना शुरू हो जाता है, जो दूसरी ट्रीटमेंट से सालों बाद भी नजर नहीं आता है। यूके यूएसए के साथ साथ इंडिया के लोग भी डॉक्टर निशी से मिल सकते हैं और उनके ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकते हैं। हर 3 महीने में दौरा, ट्रीटमेंट या कंसल्टेशन के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर पहले से अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर निशी अभी इस दिसंबर तक इंडिया में हैं। अपने बच्चों के जीवन को बदलने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। नाड़ी योगा। पैसिफिक गल्फ स्टेट के सामने सहस्त्रधारा रोड, कुलहन, देहरादून। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nadiyoga.com और मेल करें अपनी क्वेरीज nadiyoga@gmail.com पर या कॉल करें लैंडलाइन 1352629944, मोबाइल 7252052999।